अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक है जी। हमारे पास आया जी होंडा सी जी 125 2019 मॉडल। ये ब्लैक टैंकी टॉप है, मुकम्मल मॉडिफाई है। अब हम इसकी ट्यूनिंग करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं जी कौन कौन से मसले मसाइल है। गाड़ी की जो फ्रंट नंबर प्लेट है ना, वो आवाज़ कर रही थी, हम उसको चेक करेंगे। उसकी नंबर प्लेट की पत्रियाँ भी चेक करेंगे और बाइक की ट्यूनिंग करेंगे। अब दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइक का एयर फिल्टर खोल रहे हैं। ये एयर फिल्टर के कवर को हमने नट खोल दिए हैं और ये इधर एयर फिल्टर है CD125 का। दोस्तों, बाइक एयर फिल्टर को अच्छी तरह आप से वाश करेंगे और वाश करके उठा के लगाएंगे। ये है जी बाइक एयर फिल्टर, ये चेक करें किस तरह गंदे हुए हैं। दोनों फॉर्म फिल्टर को हम अच्छी तरह वाश करेंगे पेट्रोल से। बाइक का हम मैग्नेट कवर खोल रहे हैं और मैग्नेट कवर खोल के इसकी लीकिंग की चेक करते हैं कि कहीं से लीकिंग तो नहीं हो रही। और बाकी के सारे हिस्सों को बाकी खोलते हैं। सीट को खोल रहे हैं, इसके साइड टापे, मैग्नेट। दोस्तों, हमने बाइक का ये मैग्नेट वाला कवर खोल लिया है। ये यहाँ पे मट्टी है, लीकिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सील लीक नहीं है, मकमल ठीक है। ओके, हम ये सीट वाले हिस्से को भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की और वीडियो मिलेगी। ये है जी बाइक की बैटरी, इसका पानी का लेवल पहले ही पूरा है, तो हम इसी को साफ़ करके इसी तरह लगा देंगे। ठीक है जी, इसका ये यूरो फिल्टर होता है इधर, ये चेक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की और वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, ये है जी 125 का प्लग, इसको भी हम खोल के साफ करेंगे और बाकी से भी सारे को खोल रहे हैं। और ये हमने इसका यूरो फिल्टर को साफ कर दिया था। ये है जी बाइक का चैन कवर, इसको भी हम साफ करेंगे। ये बाइक का चैन ग्राई सेट है जी, इसको हम अच्छी तरह पेट्रोल से वाश करेंगे। फिर बाइक को, गिराली को, चैन को आई भी लगाएंगे और ग्रीस भी लगाएंगे। बाइक के टैबलेट कवर को हम चेक कर रहे हैं, वो ढीले हैं तो उनको टाइट कर रहे हैं। अगर टैबलेट ज़्यादा टाइट हो जाए तो मोटरसाइकिल ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको तसल्ली से चेक करते हैं। बाइक के फॉर्म फिल्टर को हम अच्छी तरह पेट्रोल से वाश कर रहे हैं ताकि मुकम्मल वाश हो जाए, किसी तरह कोई मसला ना रहे। मोटरसाइकिल की एवरेज भी ठीक रहे। बाइक की फिल्टर जाली को हम अच्छी तरह पेट्रोल से साफ कर रहे हैं, जिसके ऊपर फिल्टर फिट किए जाते हैं। इसको हम अच्छी तरह पेट्रोल से धो रहे हैं। अच्छी तरह पेट्रोल से धोने के बाद हम हवा के प्रेशर से इसको अच्छी तरह वाश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं ताकि ये भी बिल्कुल साफ हो जाए। हवा के प्रेशर से हम बाइक की मुकम्मल मट्टी को उतार रहे हैं ताकि मुकम्मल मट्टी निकल जाए और बाइक हमारी क्लीन हो जाए। पहले हमने इसको हवा साफ कर दिया था, अब पेट्रोल वाले पाइप से हम प्रेशर के साथ इसको क्लीन कर रहे हैं ताकि मुकम्मल बाइक साफ सुथरी नजर आ जाए। कई जगह पे ब्लैक लगा हो तो उसको भी हम उतार देते हैं। इस तरह मिट्टी सारी उतर जाती है। बाइक को हम अच्छी तरह कपड़े से साफ कर रहे हैं, चेक करें। दोस्तों, बाइक के ब्रेक शू के जो स्प्रिंग होते हैं उनको हम ग्रीस लगा रहे हैं ताकि ये ब्रेक लगाते वक्त आवाज़ ना करें। अगर इनको ये खुश्क हो जाएँ तो ये ब्रेक लगाते वक्त आवाज़ आती है इनमें से, तो इसलिए हम इनको ब्लैक भी लगा रहे हैं। ग्रीस चालू कर रही
बाइक की हम सीट पर चेरा वाश कर रहे हैं अपने। बाइक के टेबल कवर को हमने पहले अच्छी तरह पेंट से वाश कर दिया था, अब इसको वाश साफ करें। ये हम बाइक का टेबल कवर करेंगे, नया डाल रहे हैं। ये है जी पहले वाला रिंग जो कि लीक हो गया था, तो अब हम होंडा का न्यू रिंग डाल रहे हैं, इंशाल्लाह ये लीक नहीं होगा। दोस्तों हमने एक कढ़ाई में लैल डाल पेट्रोल डाल लिया है, अब इसकी जो चैन है उसकी गरारियाँ हैं उसको अच्छी तरह पेट्रोल से वाश कर रहे हैं। सारी चैन को अच्छी तरह वाश करने के बाद चैन को मोबाइल लगाएंगे और ग्रीस लगाएंगे ताकि चैन किसी तरह की आवाज़ ना करे। दोस्तों ये हैं जी रिम साफ करने वाले ब्रश, हम इनको रिम के ऊपर लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह ये रिम इसके साफ़ हो जाएंगे। बाइक का टेबल कवर करेंगे हम, नया डाल रहे हैं, ये चेक करें। दोस्तों बाइक में हम होंडा का 20-50 इंजन ऑयल डालेंगे, चेक करें। चलिए होंडा का 20-50 इंजन ऑयल मसाला अच्छी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। काइंडली जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, कमेंट कर दें अगर आपको कोई भी मसला हो तो। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया जी। अब हम बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, इसके बाद हम मोटरसाइकिल के हमने सारे नटवर्क चेक कर लिए हैं, ठीक है जी। बाइक हमारी बिल्कुल ओके है, हमने इसके फिल्टर साफ कर दिए हैं।
नहीं।